स्टूडेंट्स, दिस इज उचित चौहान। आज है लेसन नंबर हमारा 11 और चैप्टर है हमारा फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आज एक और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसकी वजह से, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। एक रिंग है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है और उस चार्ज की वजह से हम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने लेसन नंबर 10 में मैंने जो डेरिवेशन कराया था वो इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो एक डेरिवेशन कराया था वो इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट आपका ये रिंग की वजह से भी ये जो डेरिवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रिंग ली है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ जूम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस रिंग के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या माना है कि एक मान लिया कि एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, एक इसकी जो लेंथ मान ली छोटी सी यहाँ पे डीएल, इसकी वजह से छोटा सा चार्ज होगा यहाँ पे डीक्यू। ठीक है, छोटी सी लेंथ पे छोटा सा चार्ज होगा DQ, और पॉइंट मान लिया हमने ए, इस लेंथ की वजह और इस छोटी सी लेंथ पे जो छोटा सा चार्ज है इसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ पे आर। ठीक है, तो ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी डी, जो कि छोटा सा चार्ज है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और अलोंग द पी एन ये जा रही होगी। इसी सिमिलर वे में हम एक इस तरफ भी यहाँ पे नीचे जो पॉइंट बी है यहाँ पे भी एक छोटी सी लेंथ लेंगे डी एल, छोटा चार्ज होगा डी क्यू, और उसकी वजह से हम उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना होगा आर, और ए डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा डी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, जैसे ये डी ए डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैंने थ्योरी लिखी हुई यहाँ पे, हेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर। नेक्स्ट है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर। इस रिंग की रेडियस क्या है, आर है, एंड लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है यहाँ पे, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लैम्डा का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है, लेट ए स्मॉल एलिमेंट डी एल ऑफ द रिंग एट ए हैविंग चार्ज डी क्यू। हमने क्या मान लिया, एक लेंथ मान ली डी एल, किस कहाँ पे, एट पॉइंट ए, और इस पे चार्ज क्या है डी क्यू, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल, मतलब छोटा सा चार्ज डिवाइड बाई छोटी सी लेंथ, यही कहलाता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब अगर हम यहाँ पे ये तो हो गया छोटा सा चार्ज, अगर ये टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय छोटी सी लेंथ थी, अब यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी सर्कमफेरेंस, 2πr। ठीक है, रिंग है ना, एक सर्किल है, तो क्या हो जाएगा 2πr। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ क्लियरली। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा ये एलिमेंट है डी क्यू चार्ज है, छोटा सा चार्ज है छोटी सी लेंथ की वजह से, अब इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट पे जा रही है, यहाँ पे डी जा रही है, तो डी बराबर क्या होगा, डी एट पी बराबर के टाइम्स ऑफ डी क्यू छोटा चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग पी एन, अलॉन्ग पी एन। ठीक है, नाउ डी कैन बी रिजॉल्व इंटू टू कम्पोनेंट्स। अभी जो डी आ रहा है, अब इसे मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होगा, थीटा। अब ये कितना एंगल में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, तो डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा है। फिर से देख लीजिए, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, तो ये हो गया डी एक्स, क्योंकि ये देखिए डी कॉस थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और डी साइन थीटा क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो डी एक्स बराबर डी कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, और डी वाई बराबर डी साइन थीटा अलोंग वर्टिकल। ये कह सकते हो इसको आप एक्स एक्सिस के अलोंग, इसे कह सकते हो आप वाई एक्सिस के अलोंग।
ठीक है, सिमेट्रिकल एलिमेंट डीएल लाई एट पॉइंट बी, सिमिलर जैसे ये एलिमेंट था ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी है, बी पॉइंट पर भी लाई करेगा, सिमिलर बिल्कुल, इसकी वजह से भी छोटा चार्ज होगा डी क्यू, इस छोटे चार्ज डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही होगी कुछ इस तरीके से, ये जा रही है देखिए ये आ रही है और ये डी हो गई, इसको भी हम तोड़ेंगे डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये साइन डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसकी वजह से डी कॉस थीटा जब इधर आएगा यहाँ पे भी एंगल कितना होगा थीटा, तो ये जो आएगा डी कॉस थीटा ये भी क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे हियर वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर एडेड, तो क्या होगा यहाँ पे डी वाई, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल करेगा, मतलब ये प्लस ये क्या हो जाएगा जीरो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है दोनों सेम वैल्यू है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर से जो हो जाएगा डी कॉस थीटा इधर से आ रहा है डी कॉस थीटा इधर से आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग जो है टू टाइम्स ऑफ डी कॉस थीटा, ठीक है, तो फिर से देख लीजिए यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, फिर से देख लीजिए आप वर्टिकल कंपोनेंट से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है अपोजिट, ये कैंसिल करेंगे इसके साथ ये जो हॉरिजॉन्टल ये आ रहा है डी कॉस थीटा ये ऐड होगा और साथ में डी कॉस थीटा आपस में ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ डी कॉस थीटा, ये अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ पे आगे क्या मैंने कहा है कि देखिए अभी हम क्या निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हमने देखा कि एक छोटे चार्ज की वजह से हमने इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो क्या थी डी, अब हमने इस कंपोनेंट को भी ले लिया इस कंपोनेंट को भी ले लिया तो क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ डी कॉस थीटा, अब हमने क्या किया देखिए ये कंपोनेंट भी ले लिया और ये कंपोनेंट भी देखिए ठीक है, अब अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तो हम क्या करेंगे सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और ऐड का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमने क्या किया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बराबर ऐड क्या करेंगे अब मान लो शुरुआत यहाँ जीरो से लेके टोटल कितना हो जाएगा टू पाई आर, पर एक चीज याद रखिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लिमिट क्या ली है जीरो से पाई आर, क्यों लिया है क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से हमें इसको आपस में हम पहले से ही हम ये वाले कंपोनेंट्स इसमें ऐड करके चल रहे हैं तभी तो यहाँ पे आया टू टाइम्स ऑफ डी कॉस थीटा, नहीं तो अगर हम सिंपल अगर एक लेते तो आता डी कॉस थीटा, क्योंकि हमने नीचे वाला कंपोनेंट पूरा जिस तरीके से ये ऊपर वाला है उसी तरीके से बिल्कुल नीचे वाला कंपोनेंट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं सिर्फ आधा सर्किल लेंगे और हमने आधे को लेके दो से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमने आधा कितना हो जाएगा डी कॉस थीटा, इसकी वजह से कितना होगा डी कॉस थीटा, और अगर हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा हाफ वाला पोर्शन भी आ गया तो टू टाइम्स ऑफ डी कॉस थीटा, तो हमें क्या लिमिट लेनी है जीरो से पाई आर, पाई आर का मतलब देखो वैसे लिमिट लिखे रहते हम जीरो से टू पाई आर, टू पाई आर का मतलब ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है, पर हम क्या लेंगे जीरो से पाई आर, पाई आर का मतलब है सिर्फ हमने आधा पोर्शन ले लिया इसका, तो आधा पोर्शन ले लिया उसको हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा पोर्शन आ गया हमारा, ठीक है ये चीज समझने वाली है, ठीक है नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, अब देखिए जीरो से, ठीक है जीरो से पाई आर बराबर टू ऐसे लिख लिया, इससे पहले मैंने डी की वैल्यू हमने निकाली थी, डी की वैल्यू कितनी थी के टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गई थी कॉस थीटा ऐसे रख दिया, अब देखिए यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, देखो पाइथागोरस लग जाएगा ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो इसकी जगह हमने यहाँ पे ये रख दिया, तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये बाहर निकल के ई बराबर टू के कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, ठीक है अंदर क्या बचेगा डी क्यू कॉस थीटा, साथ में हमने क्या किया अभी हमने इससे पहले हमने डेरिवेशन में शुरुआत में हमने डी क्यू वैल्यू निकाली डी क्यू बराबर क्या था लैम्डा इनटू डीएल, और इस कॉस थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया आपका एक्स और हाइपोटेन्यूस क्या होगा आर, तो आर बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक है इस इन दोनों को डी क्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को हमने मान ली क्वेश्चन नंबर वन मान ली, इसमें आप यहाँ पे पुट कर देंगे, देख लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है स्मॉल आर, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह आ गया आपका एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पे ये आगे डी क्यू की है, डी क्यू बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू डी एल और कॉस थीटा की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो ये जब बाहर आएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1/2 और इसकी पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये आ गया आपका 2 के ऐसे ही रहा, लैम्डा भी बाहर आ गया, एक्स भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है यहाँ पे डी एल, ठीक है। इसको और जूम कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी डी एल है, इसको जब यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया हमने, के एक्स को साथ में ले लिया, देखिए यहाँ पे के और एक्स को साथ में ले लिया, बाकी जो बचा हुआ उसको अंदर ले लिया, लैम्डा इंटू टू पाई आर डिवाइड बाई जो था वो ऐसा का ऐसे रख दिया। इससे पहले आपने देखा था क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, आ गया था लैम्डा इंटू 2πr, स्टार्टिंग में डेरिवेशन में आपने निकाली थी टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 2πr, तो लैम्डा इंटू 2πr की जगह में क्या लिख दिया टोटल चार्ज, तो के एक्स इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2। ये आ गई वैल्यू, और ए एक्स कैप ये क्या आ गया इसका डायरेक्शन, तो मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। ए एक्स कैप क्या आ रहा है क्योंकि किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रही है, देखो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर जा रही है, यहाँ से जो आ रही थी वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किधर जा रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। तो ये आ गया आपका डेरिवेशन, ये कम्प्लीट हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।